नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम प्लस के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। गाड़ियों के गलत इस्तेमाल के मामले पर हाई कोर्ट का आदेश, 15 दिन में कार्रवाई कर करे पेश। एमपी एमएलए और चेयरमैन की निजी पायलट जिप्सी पर होगी कार्रवाई, इस खबर को हम दिखाएंगे पूरा। लेकिन पहले नजर मार लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से जंग जीत जाएगा भारत। देश में 150 दिन में 10 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। सिर्फ इन 3 राज्यों में 50% से ज्यादा हुई रिकवरी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है, मगर इस बीच भारत के लिए यह राहत भरी खबर है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दिन रामलला को पहनाई जाएगी हरे रंग की पोशाक। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान रामलला की मूर्ति को भगवा बॉर्डर वाले हरे रंग की पोशाक पहनाए जाने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख BS धनोआ ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमान के भारत की धरती पर उतरने पर किया स्वागत। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक विवाद के बावजूद इसके खरीद के सौदे का बचाव इसलिए किया था कि वह नहीं चाहते थे इसका हाल भी बफोर्स जैसा हो जाए। विकास दुबे की पत्नी रिचा ने LDA कोर्ट में कहा, मकान गिरा तो साइट के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बैंक खाते वे अन्य सभी चीजें पुलिस के पास सीज हो चुकी है। मकान के दस्तावेज से लेकर सभी चीजें पुलिस के पास है, अगर मकान गिराया गया तो उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए अब जिलावर पॉजिटिव मरीजों पर नजर रखने के लिए 22 कोविड पेशेंट ट्रैकिंग अफसरों की नियुक्ति की है। इसमें IAS और PCS अधिकारी भी शामिल है। UAPA कानून पर पंजाब में सियासी घमासान। अमरिंदर वे सुखबीर बादल का एक दूसरे पर हमला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल धमकी ना दे, वह पंजाब के नौजवानों को पुलिस के खिलाफ भड़काकर अलगाववादी ताकतों के हाथ की कठपुतली ना बने। रोते हुए पंजाब महिला आयोग में बोली माँ, बेटी को कोरोना की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं लोग। आपको बता दें कि महिला ने उन्हें फोन कर बताया, मुझे कोरोना हो गया था, मैं ठीक भी हो गई हूँ, लेकिन मोहल्ले वाले मेरी बेटी को कोरोना की बेटी कहकर पुकारते हैं। पंजाब की पहली कोरोना प्रूफ कोर्ट तैयार, शीशे के कैबिन में बैठकर सुनवाई करेंगे जज, डिस्टेंस से होगी अपील दलील। आपको बता दें, लुधियाना में पंजाब की पहली कोरोना प्रूफ स्पेशल रिमांड कोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है, जल्द ही यहां से रिमांड के मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर UK कोर्ट के नए आदेश का माल्या लोन रिकवरी केस पर पड़ सकता है असर। आपको बता दें कि भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी कर करीब 9 लाख करोड़ का लोन लेकर लंदन भागे विजय माल्या के ऊपर हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की तरफ से दिए गए फैसले का असर पड़ सकता है। नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया, मैं पाकिस्तान नहीं लौट सकता, क्योंकि उनके डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना वायरस महामारी के कारण बाहर नहीं जाने को कहा है। शरीफ इस समय इलाज के लिए लंदन में है। अंकिता लोखंडे ने कहा, रिया के साथ रिलेशनशिप से परेशान थे सुशांत, चाहते थे ब्रेकअप। बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बताया कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने किया सुसाइड, घर में फांसी लगाकर दी जान। आशुतोष ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक आशुतोष का शव नांदेड़ स्थित उनके बंगले में लटका हुआ। सोनू सूद अपना बर्थडे भी करेंगे लोगों के नाम, देश भर में लगवा रहे हैं फ्री मेडिकल कैंप। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का 30 जुलाई को बर्थडे है, इस दिन वह लोगों की मदद करेंगे। कोविड-19 महामारी के बीच अब तक सोनू ने तमाम लोगों की अलग अलग तरह से सहायता की है। सांसद MLA मेयर और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन सहित सभी VIP द्वारा पंजाब सरकार के नियमों के विपरीत गाड़ी और लोगों का गलत इस्तेमाल करने और सुरक्षा कर्मियों का रिव्यू करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने बुधवार को सुनवाई करते हुए केस में पार्टी बनाए गए मुख्य सचिव DGP ADGP ट्रैफिक व सिक्योरिटी सहित जलंधर के DC और CP को इस मामले में 14 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है। RTI एक्टिविस्ट सिमरजीत सिंह द्वारा दायर की PIR पर सुनवाई में यह आदेश दिया गया है कि सिमरजीत सिंह ने बताया है कि खुद सुनवाई में पेश हुए थे। PIR की मांग है कि सिटी के चारों MLA सांसद और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिलजीत सिंह आहलूवालिया नियमों के विपरीत निजी गाड़ी को या सरकारी जिप्सी को मॉडिफाई कर पायलट गाड़ी बना रखा है। आपको बता दें कि इस पर गैर कानूनी तरीके से लाइट और पंजाब पुलिस का लोगो लगा है। इतना ही नहीं, निगम के काम के लिए रखे गए गनमैन का इस्तेमाल मेयर जगदीश राजा, सीनियर डिप्टी मेयर सुखविंदर कौर और डिप्टी मेयर हरसिमर सिंह जीत सिंह बंटी कर रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी का रिव्यू किया जाए कि किस आधार पर इतने गनमैन रखे हुए।
सांसद, एमएलए और चेयरमैन के बेटे से लेकर रिश्तेदार तक पायलट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो पीआईएल को कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी केस में पार्टी बनाए गए अफसरों में रजिस्ट्रेशन दे। उन्होंने 14 दिन में कार्रवाई करके करने को बताया। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। कल फिर हाजिर होंगे हमारे बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज शाम प्लस। हमारी खबरों के अपडेट पढ़ने के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.aajshamplus.com। आप चाहें तो हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है।